हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको पाइन प्लांट के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं कि इस प्लांट को हम ग्रो कैसे करते हैं और इसकी केयर कैसे करते हैं और इसको हम बोनसाई कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। और इस प्लांट को फर्टिलाइजर कैसा पसंद है और इसको धूप कैसी चाहिए और इसको वाटरिंग कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम इस वीडियो के बारे में आगे बढ़ें तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे हमारा जो है अगला वीडियो जो है वो मिस ना होने पाए और आपसे हमारा एक जो कनेक्शन है वो बना रहे। और सब्सक्राइब करते समय वेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस करें ताकि अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए, ज़्यादा देरी न करते हुए इस प्लांट के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले इस प्लांट के बारे में बात करते हैं कि इस प्लांट को कैसा वातावरण पसंद है। फ्रेंड्स, ये ठंडी वाली जगह में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, हालांकि गर्म जगहों पर भी अच्छे से ग्रो करता है। जैसे कि ये हमारा जो है यूपी का इलाका है, आप जो समझ रहे हैं कि इस समय यहाँ पे कितनी गर्मी पड़ रही है। इस प्लांट को लगभग ऐसे वातावरण पसंद है जहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण वगैरह ना हो, कम प्रदूषण वाली जगह पर ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो ये तो हो गई ग्रो करने की बात। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इसको नर्सरी से लाने के बाद लगाना कैसे। इसको फ्रेंड्स, नर्सरी से लाने के बाद आपको इसको ऐसे पॉट में लगाना है जो वेल ड्रेन पॉट हो और इसको अम्लीय मिट्टी पसंद है। तो इसका जो हमने मिक्स तैयार किया है, इसमें जो हमने डाला है लगभग 40% गार्डन सॉइल डाला था और 20% इसमें जो है हमने राइस हस्क मिला दिया था और इसके अलावा इसमें जो है लगभग 20% रिवर सैंड मिला दिया था और 20% गोबर की खाद को मिलाया था। इनका सबका मिश्रण कर करके हमने एक ऐसे पॉट में लगाया है। पॉट का साइज छोटा है क्योंकि हमको इनको बोनसाई के रूप में हमको ज़्यादा बड़ा इनको नहीं करना है। अगर आप इनको बड़ा चाहते हैं तो आप इनको ज़मीन पे लगाएं तो ये ज़मीन में बहुत ही जल्दी से ग्रो करते हैं, तो हमें इनको बोनसाई बनाना है तो इसलिए हमने इनको छोटे पॉट में लगाया है। तो आप इनको जो है जिस पॉट में लगा रहे हैं उस पॉट में ड्रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, उसमें छेद होना चाहिए ताकि इसमें पानी ना रुके। अगर पानी रुकता है तो ये प्लांट आपका जो है ख़राब हो सकता है, तो इसका आप विशेष ध्यान दें। जो पॉटिंग सॉइल का जो मिक्स बताया हमको उसको आप इसमें डालिए और उसके बाद इस प्लांट को थोड़ा सा ऊंचा करके आप इसको लगा लीजिए। इसका जो रूट बॉल है उसको छीणिए नहीं नर्सरी से लाने के बाद, एट इट इज आप उसको ऐसे ही लगा दीजिए। और इसको जो लगाने का जो बेस्ट सीजन है लास्ट जो फरवरी में, जब हल्की सी ठंडी होती है, जनवरी या फरवरी में आप इनको लगा सकते हैं क्योंकि ठंडियों में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो आप इसको फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में आप इनको जो है नर्सरी से ला करके लगा सकते हैं। बहुत जल्दी से आपके ये पॉट में, आपके गार्डन बहुत आसानी से लग जाता है। दोस्तों, ये बात तो हो गई इन प्लांट को लगाने के। अब इसको लगाने के बाद इसकी केयर कैसे करनी, केयर के बारे में बहुत ही सिंपल तरीका है। फ्रेंड, इसको जो है ये ठंडी जगह का प्लांट है तो इसको धूप भी चाहिए और इसको हल्की सी ठंडक भी चाहिए। तो आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे दिन की 3 से 4 घंटे की सनलाइट आती हो और उसके बाद इसको छाया भी मिलती हो, क्योंकि फुल सनलाइट में, ये डायरेक्ट सनलाइट में इसकी ये जो आप लीफ्स देख रहे हैं सुई के आकार की, ये ख़राब हो सकती, बंद हो सकती। तो हमने इनको ऐसी जगह रखा जहाँ मॉर्निंग की 3 से 4 घंटे की अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट मिलती है, उसके बाद इनको जो है सारा दिन छाँ में रखते हैं। ओपन वाली स्पेस पे रखना है, बिल्कुल बंद वाली जगह पे नहीं रखना है। तो इनको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे मॉर्निंग की सनलाइट मिले, 3-4 घंटे की लाइट इनको चाहिए ही चाहिए। हालांकि ये फुल सनलाइट में भी ग्रो करता है, लेकिन फुल सनलाइट ऐसी जगह इनको चाहिए होती जहाँ पे हल्की सी, जहाँ का टेम्परेचर 35 से अबव ना जाता हो, वहाँ पे ये फुल सनलाइट में भी अच्छे से ग्रो करते हैं। जैसे कि जाड़े के समय में आप इसको फुल सनलाइट में रखेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन मई जून की गर्मियों में जब आपका बहुत ज़्यादा
टेम्परेचर हाई होता है तो आप इनको ऐसी जगह रखें जहाँ पे मॉर्निंग की 3 से 4 घंटे की सनलाइट मिलती हो, बाकी ज़्यादा इसको सनलाइट ना मिलती हो। तो आप समझ गए कि इसको कैसी जगह पर रखना। अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। फ्रेंड्स, इसको जो है वाटरिंग में आपको विशेष ध्यान रखना है, इसमें पानी जमा ना होने पाए। इसकी मिट्टी को हल्का से मॉइस्ट करके रखना है, ज़्यादा सॉगी नहीं रखना है। आपको जब भी लगे कि इसकी मिट्टी जो है सूख रही है तब आप इसमें जो है पानी ज़रूर डाल दें, और नेक्स्ट टाइम तब पानी डालें जब आपको लगे कि मिट्टी सूख रही तब फिर से पानी डाल दें। कम्प्लीटली आपको इसको ड्राई भी नहीं होने देना और इसमें ज़्यादा आपको पानी नहीं भरना है। आप देख रहे हैं हमने इनको बहुत अच्छे से केयर किया, कितने अच्छे से देखिए ग्रोथ हो रही है सभी से। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से सभी हमारे प्लांट जो है ग्रो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमने थोड़ी सी इसमें मल्चिंग कर रखी थी क्योंकि यहाँ पे जड़ें थोड़ा सी इसकी दिख रहे थे, तो गर्मी का सीजन चल रहा था, डायरेक्ट सनलाइट से इसको दिक्कत हो सकती थी, तो हमने थोड़ा थोड़ा इसकी जड़ों के पास मल्चिंग कर दी थी। देखिए आज आप समझ रहे हैं कि इस समय यूपी में कितनी गर्मी पड़ रही है। आज 18 तारीख है, 18 मई है, तो इस हिसाब से फिर भी देखिए हमारे प्लांट कितने अच्छे से ग्रो करते हैं, ग्रो हो रहे हैं। तो हमने इनको ऐसी जगह रखा है जहाँ पे बस मॉर्निंग की 3 घंटे की सनलाइट आती, 4 घंटे की सनलाइट आती है, और पानी हम इनको जब भी डालते हैं जब हल्का से सूखने लगता है तभी हम इनमें जो है पानी जो है डालते हैं। अभी बात हो गई फ्रेंड्स पानी की। फर्टिलाइजर में फ्रेंड्स हम इसमें जो है गोबर की खाद का जो लिक्विड के रूप में दे देते हैं, इसको स्लो रिलीज फर्टिलाइजर पसंद है। ज़्यादा आपको इसमें फर्टिलाइजर नहीं डालना है, और आप इसमें महीने 1-2 महीने में DAP के 3 से 4 दाने इसकी जड़ों से दूर जो है यहाँ दूर दूर रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जब आप इसमें DAP के दाने रख रहे हों तो ये ज़्यादा गीला ना हो, थोड़ा सा ड्राई हो तभी डालना है। और नेक्स्ट डे जो है इसमें सेम डे पानी नहीं डालना है, उसके अगले दिन जो है आपको जो है इसमें जो है पानी डालना है। अब हम बात करेंगे इसके सेप के बारे में। सेप आपको जिस हिसाब से जैसा रखना, हम इनको बोनसाई बना रहे हैं तो हमने इनको जो है ज़्यादा जैसे हमने यहाँ से इसको कट कर दिया था तो इसकी ब्रांच अलग से निकल के आई तो उनको बढ़ने दे रहे हैं। अब ये इतना ही साइज का रहेगा, बस इसका जो ट्रंक है वो मोटा होता जाएगा। हम इसको ज़्यादा ऊँचा नहीं रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये हमारा दूसरे सेप का, इसको हम थोड़ा सा लंबा रखना चाहते थे, सीधा जा रहा है। और इसके अलावा इसकी जो है आप देख रहे हैं हमने इसकी जो है यहाँ से सारी जो है ये सुई जैसे जो पत्ती लीफ निकली है इनको हम हटा देते हैं ऐसे करके, तो देखने में जो है आप इसको जो है ऐसे हटा सकते हैं। आपको जैसा भी चाहिए सेप उस हिसाब से करना है। और इसकी फ्रेंड ट्रिमिंग जो है आपको जो है हमेशा जब ये सुसुप्त अवस्था में हो तभी आपको करना है, जब उसमें ग्रोथ कम हो रही हो तब आपको इसको जो है इसकी जो है ट्रिमिंग कर सकते हैं। और इसमें जो जो सुई जैसे दिख रहे हैं अगर आपको कोई सेप देना, जैसे हमने ये ऐसे निकाल देते हैं, आपको जैसे यहाँ का साफ करना है तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप चिमटी का यूज़ करें, चिमटी के यूज़ से ये बिल्कुल सही रहता है, बहुत आसानी से इसके जो ये निकल आते हैं ये सुई जैसे इसके जो हैं। तो ऐसे करना है आपको, देखिए हमने इनकी सफाई कर दी थी, ये आपको जैसे ये निकल दिख रहा है तो इसको तोड़ देना है, ऐसे ऐसे करना तो इसमें एक सेप आ जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।